ये छोटा सा चूजा, मैं भी NH 57 की तरफ जा रहा था तो ये मिला था सुबह में, और इसे कोई ले जा रहा होगा बेचने के लिए, गिर गया होगा और ये सड़क पे फड़फड़ा रहे थे और डर रहे थे गाड़ी में से। आज दिनांक 13 मार्च 2024।
पास मिलेगा, डायरेक्ट माल होता है। जाइए वहाँ तक। इस टोटो से लाया, क्या नाम भैया आपका? विवेक प्रधान। अभी कहाँ से लाया इसको आप मेरे साथ? किधर से? मीना मोड। मीना मोड से आए हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट ये आपको? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो जो मीना मोड है वो जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी वो अभी जलपाईगुड़ी से इधर मैं आया हूँ और इस बच्चे को यहाँ पे अब माता जी को दूंगा, वो बाद में वीडियो आपको बताऊँगा। थैंक यू। ये देखिए बात करनी हो बात कर लेते हैं नहीं पोपड़ा का जाता है तुम कोई भाई क्या तेरे बिस्तर कहाँ कोई तेरे बिस्तर कहाँ है कहाँ से आया तू? बिहार से। बिहार से आ रही कोई उसको दाना दे दो। चलिए इसको रखते हैं कहीं, कहाँ रखेंगे? ये सब भी उसका दाना? नहीं ये नहीं, ये ये वो क्या है? ये तो मेरे कपड़े हैं। कहाँ रखेंगे? रखेंगे इसको। ये तो आपके को साठ रहता है ना, ये तो अभी आदत हो गया था। ये दिनांक 13 मार्च 2024 को ये बिहार के SH 5775 पे मिला था, सड़क पे भटक रहा था। तो 15-20 दिन अभी मैं अपने साथ रखा हूँ और फिर अभी ये एक मिनट दादा इसे रखा हूँ और अभी इसे मैं मदन राय साहब हैं इनको सुपुर्द किया हूँ और इनके लड़के हैं गौतम जी। गौतम जी बहुत बड़े पशु पक्षी के प्रेमी हैं और बहुत दया है इनके अंदर और मैं गौ माता जी से इनके लिए बहुत शुभकामनाएं और दया मांगता हूं। और आप जो भी वीडियो ये देख रहे हैं या देखेंगे वो सभी इनसे संपर्क करेंगे, मैं नंबर भी दूंगा इनका इसमें और इनको शुभकामनाएं देंगे। इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि इसे बच्चे को रखेंगे। गौतम जी आप बताइए कुछ। हम तो क्या बताएं, अभी सेवा में लगे हुए कि हम जैसे सभी के मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हर एक चीज़ को जो भी जीव जंतु है उसे सुरक्षित करके सेवा करे, तो इसी यही मानवता के धर्म है सही में जी। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वाह तो यही क्या बात, कर्म ही धर्म है। और ये गौतम जी के पिताजी हैं मदन राय साहब, पूर्व फौजी भी हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। आर्मी से ना? तो इन्होंने भी कहा कि इसे हम प्यार से रखेंगे। अभी मैं 700 किलोमीटर दूर इसको लेके आया हूँ और ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। बताइए इस बच्चे के बारे में कुछ बताइए, आप रखना चाह रहे हैं? आपने कहा कि रखें। बारे में एक दो बात में बोलना चाहता हूँ कि गौ माताओं के लिए नहीं, इनके लिए बताइए, मुर्गी के बच्चे के लिए। हाँ मुर्गी का बच्चे जो कोई भी प्राणी जो है पशु पक्षियों को जो जो भी प्राणी हम लोग जो है मनुष्य को उनको देख रेख करना चाहिए, उनको जीवन न देना चाहिए, उसको सुरक्षा के लिए ही हम मनुष्य धरती पर हम स्थापित किया गया है। जो पशु पक्षियों को देखना, उनको सुसार करना, उनको रखवाला करना, उनको भोजन कराना, उनको दुख तकलीफ को देखने के लिए मनुष्य को अस्तित्व दिया गया धरती पर। हम ये धरती का मालिक नहीं है, ये सारा प्राणियों का मालिक है हम। मालिक काम करना चाहे मालिक का काम नहीं करना चाहे, हम लोग जितने भी संसार में मनुष्य मालिक का काम करता है, ये मेरा गाय है, ये मेरा धरती, ये मेरा पशु पक्षी है, ये मेरा संपत्ति। संपत्ति तो हमारा जीवन असल में जो सृष्टि से दिया, इसीलिए हम लोग जो है धरतियों को जो सुसार करना चाहिए मानव होकर, मानव को कर्तव्य निभाना चाहिए, मानव को कर्म और कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए, इसी को मानव कहा जाता है। बहुत बढ़िया, मानव का कर्तव्य निभाना चाहिए और उसे ही मानव कहा जा सकता है। ये देखिए ये चोकर खा रहे हैं डॉक्टर से पूछ के, और ये आज 13 तारीख को हमने इन्हें लिया था बिहार के दरभंगा से, और फिर आज हो गया 29 तारीख है ना, तो टोटल कितने दिन हो गए? मतलब 15 दिन हो गए इसके, आज 15 दिन इसके हो गए इस बच्चे के। ये देखिए
ये कूद कूद के आ रहा है मेरे पास। इसको मैं थोड़ा सा रखा अपने साथ, इसको हाथ देने से ये आता है, पर ये धीरे धीरे अब ये इसको जंगली हम बना देंगे है ना। तुम जंगली बन जाना अब, थोड़ा अपना आराम से घूमना फिरना ये इसको ना मेरा आँख बहुत पसंद है, मारता है आँख पे, मार रहा था। हाँ हाँ, मैं वीडियो बनाया हूँ इसका अपने बिछावन पे लेट के, है ना, ऐसा करके। ठीक है, थैंक यू। ये देखिए कितने प्यार से ये गौतम जी इसको रखे हैं और उसे ले जा रहे हैं। देखिए ये उड़ भी गया है और इसका घर बनाने के लिए ये अब ये कोशिश करेंगे, कहीं पे इसको रखेंगे कहाँ, अजर ऐसा करके। हाँ, ये इसी घर में, ये घर। अच्छा,